तो दोस्तों खाना बनाते बनाते मैं ये जो बाड़ी में ये कचड़ा वचड़ा है, घास फूस, तो इसको उखाड़ लेती हूँ दोस्तों। और कुछ लगाना है फिर से नया, तो मैं उखाड़ लेती हूँ। तो बाड़ी की मैं साफ सफाई कर ली दोस्तों और बीज भी लगा दी। नमस्कार दोस्तों, फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हैं? आशा करती हूँ कि खुश होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मेरा नहाना धोना हो गया और आज मैं बहुत सारा कपड़ा धोई हूँ। चादर वादर पूरा गंदा था, नन्हे लोग सोए थे और छोड़ कर गए थे, तो बारिश हो रही थी तो इसलिए नहीं धोई थी दोस्तों। और आज मौसम अच्छा है, दिखाती हूँ आप लोगों को। तो मौसम अच्छा है दोस्तों, तो इसलिए ये चादर को मैं धो दी हूँ और सूखने के लिए टांग दी हूँ दोस्तों। तो जाती हूँ अब करेला तोड़ लेती हूँ, दो चार ठो मिलेगा बाड़ी में। और आलू और बैंगन के साथ में बनाऊंगी चटपटा सब्जी। तो जा रही हूँ दोस्तों, करेला तोड़ लेती हूँ। और घर का मेरा और घर का भी सारा काम हो चुका है दोस्तों। और एक चीज़ बताना भूल जा रही हूँ दोस्तों, हमारे गांव के लोग, आज सावन सोमवारी है तो अलाउंस हुआ था, कल से अलाउंस हुआ था कि महानदी सभी नहाने जाएंगे। जैसे बोलबम जाते हैं दोस्तों, कांवर उठाते हैं कंधे में, तो उसी तरह करने जाएंगे इसे कह के। और पिछले साल से कर रहे हैं दोस्तों, तो मेरा घर संभालने वाला कोई नहीं होता है। और सभी को बोले हैं दोस्तों, माइक में अलाउंस कर रहे थे, सभी को बोले हैं, तो कल भी नल नहीं चला दोस्तों। तो इसलिए मेरा घर का पूरा काम पड़ा हुआ था, तो इसलिए मैं नहीं गई। और सभी गए हैं दोस्तों, अभी नहीं आए हैं वो लोग। और बहुत भीड़ है, मतलब बहुत जन गए हैं। वैसे रास्ते में जब जाने के समय जब गए हैं तो पिकअप ट्रैक्टर ऐसे करके गए हैं, चढ़ के उनमें, मतलब ट्रैक्टर पिकअप में चढ़ के गए हैं। लेकिन तो आते समय दोस्तों, पास गांव है एक ठो हमारा, गांव के आगे में, तो वहां से वो लोग पैदल यात्रा करते हुए अभी आएंगे घर के सामने में। तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी दोस्तों। सुबह ही गए इसलिए मैं नहीं जा पाई, क्योंकि पानी आता है दोस्तों नल में, और घर का पूरा काम भी पड़ा हुआ था, और ऊपर से कल फिर दोपहर में पानी नहीं चला, नल में पानी नहीं आया, तो इसलिए मैं नहीं गई। नहीं तो मैं भी जाती, अगर घर संभालने वाला कोई होता दोस्तों तो मैं भी जाती। तो वो लोग अभी आएंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। उससे पहले मैं फटाफट करेला तोड़ लेती हूँ। जा रही हूँ दोस्तों करेला तोड़ने के लिए, जितना भी मिले। और कल अलाउंस हुआ था दोस्तों शाम को कि खीर पूड़ी भी बनेगा इसे कह के, चौक तरफ, नीचे तरफ हमारा गांव के। तो उनके आते तक मैं करेला को तोड़ लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। और लग रहा है डीजे बज रहा है, पता नहीं वो लोग आ रहे हैं। अगर आ जाएंगे तो करेला तोड़ना मैं बंद कर दूंगी और आप लोगों को दिखाने ले चलूंगी। तो करेला मैं तोड़ ली दोस्तों और मिला जुला कर बनाऊंगी, तो हो जाएगा हम तीनों जन के लिए। तो करेला मिल गया दोस्तों, और इतना करेला हम तीनों के लिए काफ़ी है। और दो ठो आलू डाल देंगे, ये रहा यहीं पर आलू है, तो दो ठो आलू डाल देंगे, दो ठो बैंगन डाल देंगे, टमाटर डाल देंगे, तो आज का हमारा सब्जी चल जाएगा। और ये बारहमासी करेला है दोस्तों, देसी करेला। तो ये रहा दोस्तों, नन्ही के नाना खीर पूरी लाए हैं, लेकिन क्या करें दोस्तों, मैं नहीं दिखा पाई, माँ को दे दी जल्दी में। तो चार दोना था दोस्तों, और नन्ही के नाना भी खा लिए,
अब मेरा हिस्सा का बचा हुआ है तो मैं नहीं खाऊंगी, माँ को दे देती हूँ। तो माँ को दे देती हूँ दोस्तों, और एक दोना और खाई है माँ, और इसमें दो दोना और है, गिर गया था तो ये मलिया में हम लोग ढाले हैं। तो दोस्तों खाना बनाते बनाते मैं ये जो बाड़ी में ये कचड़ा वचड़ा है, घास फूस, तो इसको उखाड़ लेती हूँ दोस्तों, और कुछ लगाना है फिर से नया तो मैं उखाड़ लेती हूँ। और बहुत अच्छी तरह से उखड़ रहा है दोस्तों, इसमें मिट्टी नहीं आ रहा है, धूप कर रहा है इसीलिए। तो ठीक है दोस्तों, मैं उखाड़ के आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये रहा मूली दोस्तों, और ये रहा झुनगा मूली के, मूली पैकेट के नीचे में है ये झुनगा, तो इसी को लगाना है दोस्तों। और बाड़ी से मैं घास वास उखाड़ ली दोस्तों, और नन्ही के नाना आज नहीं थे, अगर थोड़ा बहुत उनको मैं कैमरा पकड़ा देती और आप लोग देखते मुझे कि मैं कैसे साफ सफाई की हूँ और कैसे खुदाई की हूँ, क्योंकि मैं खुदाई भी कर चुकी और अकेली थी दोस्तों, उधर खाना भी बन रहा था मेरा, इधर भी मैं काम कर रही थी, तो मैं आप लोगों को उतना नहीं दिखा पाई। तो बाड़ी से मैं जो भी कचड़ा वचड़ा घास फूस था दोस्तों, उसको मैं उखाड़ ली हूँ, और उखाड़ कर गड्ढा भी खोद खोद कर, थोड़ा थोड़ा खोद खोद कर, गड्ढा नहीं, थोड़ा थोड़ा खोद खोद कर मैं लगा दी झुनगा और मूली को। तो थोड़ा थोड़ा खोद ली दोस्तों और लगा दी हूँ बीच बीच में खोद खोद के। अब देखते हैं, आज तो बारिश नहीं हो रही है, हो जाएगी तो निकल आएगा। ये रहा, मैं लगा दी मूली को और अंदर चला गया दोस्तों, झुनगा था वो। ये मूली है, हाइब्रिड मूली है, थोड़ा थोड़ा ऐसे करके मिट्टी में दबा देती हूँ। तो जितना हो सका दोस्तों उतना मैं घास को उखाड़ी हूँ, और ये तो बहुत छोटा छोटा है, तो जितना हाथ में आया दोस्तों तो उतना मैं उखाड़ी हूँ, और उखाड़ करके मूली बीज लगा दी। और नन्ही के नाना सुबह ही बोल कर गए थे कि ये मकई को मत उखाड़ना, हो जाएगा तो हो जाएगा और नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, देखते हैं। मैं उनको बार बार बोली हूँ कि इसको भी उखाड़ देती हूँ, लेकिन वो नहीं माने। और ये सब करते हुए मेरा खाना भी बन गया, और खाना भी हम लोग खा लिए, और नन्ही के नाना अभी नहीं आए हैं, उनका खाना बचा हुआ है, और आज मेरी बबली भी आएगी शाम तक। रायपुर से कल आ गई है, लेकिन अपने दोस्त के यहाँ रुकी है, इंटरव्यू देने आ रही है दोस्तों। जहाँ पर वो रह रही थी रायपुर में, तो वहाँ काम नहीं मिल रहा था, 3 माह से लगातार बैठी हुई थी। तो यहीं उसका एक और दोस्त है जहाँ पढ़ी है वो, ये अपना पास का सिटी में, तो वो लड़का बुलाया है कि यहाँ आ जाओ, यहाँ भी इंटरव्यू दिला लो, अगर लग जाएगा तो लग जाएगा और नहीं लगेगा तो फिर क्या करेंगे, फिर वापस चली जाएगी। तो बाड़ी की मैं साफ़ सफाई कर ली दोस्तों, और बीज भी लगा दी। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो को मैं यहीं पर रखती हूँ, और आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा सा एक कमेंट भी करें। फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।